कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सिंध में आज से जुजवी लॉकडाउन। होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, पार्क्स 15 रोज के लिए बंद। कल से सिंध में सरकारी दफातर और बस अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। किराना, सब्जी, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने आइंदा दिनों में कर्फ्यू का इंदिया भी दे दिया। उधर तफ्तान से मजीद जायरीन आज सखर करंटीना सेंटर पहुंचेंगे। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहां तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहां तो भूख से मर जाएंगे लोग। बहसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है, इसलिए आपने इसमें पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को कोरोना वायरस के खतरात से आगाह कर दिया। कौम से खिताब में कहा, वायरस मजीद फैलेगा, दुनिया भर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। घबराना नहीं, हमने बहैसियत कौम कोरोना से जंग जीतनी है। मजीद कहा, कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते, पूरे के पूरे शहर बंद किए तो गरीब भूख से मर जाएंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध का कोरोना वायरस फंड कायम करने का फैसला। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन और दीगर हुकाम एक माह की तनख्वाह देंगे। उधर सखर लेबर कॉलोनी का एक ब्लॉक आरजी हस्पताल में तब्दील किया जाएगा। करंटीना में मौजूद जायरीन के अहले खाना को राशन दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का क्वेटा में मजीद 2 करंटीना सेंटर्स बनाने का फैसला। कोरोना वायरस ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सख्त पाबंदियों पर मजबूर कर दिया। बेल्जियम में हुकूमत ने 5 अप्रैल तक लॉकडाउन, त्यूनिस ने 12 घंटों के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। रूस ने गैर मुल्कियों पर 1 मई तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को किसी भी मुल्क के सफर से रोक दिया। कैनेडा, ओमान, UAE और मलेशिया ने सियाहत, विजिट और कारोबारी वीजा पर सफर करने से मना कर दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आलमी कोशिशें। सऊदी अरब ने G20 कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए रबते शुरू कर दिए। G20 ममालिक की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते मुनक्द की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना है। आवाम के तहफ़ के अलावा आलमी मीशत को महफूज बनाने पर भी गौर किया जाएगा। कोरोना वायरस के मईशत पर वार मुख्तलिफ ममालिक के इकदाम। बरतानवी वजीर खजाना ने कारोबारी कंपनियों को आयानात के लिए 330 अरब पाउंड के कर्जों का ऐलान कर दिया। स्पेन के वजीर आजम ने वायरस के मौशी असरात से निमटने के लिए 200 बिलियन यूरो की इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। बहरीन ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए GDP का 29% से जायद मुख्तस कर दिया। यूक्रेनी पुलिस की कार्रवाई, 1 लाख सर्जिकल मास्क बरामद। मशकूक अफराद के गिरोह ने कारोबारी शख्स से मास्क चुराए थे। यूक्रेन में कोरोना के 7 केस सामने आने के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन है। कराची में कोरोना वायरस से बचाव के अशिया महंगे दामों फरोख्त करने वाले 38 अफराद गिरफ्तार। 70,000 से ज़ायद मास्क और मुतअद्दद सैनिटाइजर्स बरामद हुए। लाहौर में भी महंगे सैनिटाइजर्स फरोख्त करने वाले स्टोर का मैनेजर गिरफ्तार। सियालकोट में इंतजामिया और पुलिस ने गोदाम से 1,70,000 से ज़ायद फेस मास्क बरामद कर लिए। 3 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क में जुमे के इज्तमात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। नमाजी घरों से वजू करके और सुन्नतें पढ़कर आएंगे। हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तजावीज़ मंजूर कर ली। उधर पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फतवा जारी। कहा, कोरोना के खतरे पर तमाम सियासी और मजहबी इज्तमात मुलतवी कर दिए जाएं। मस्जिद में बाजमात नमाज फर्श पर अदा की जाए। नमाज जुमा के इज्तमा में उर्दू तकरीर खत्म, अरबी खुतबा मुख्तसर किया जाए। को
کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر حاجی کیمپ میں قرنطینہ سینٹر بنانے کے خلاف علاقہ مکین مشتعل، میٹروپولیٹن کے عملے پر تشدد، 7 زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے کیمپ میں آگ لگا دی، اہلکاروں کی شیلنگ سے احتجاج کرنے والے منتشر ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سینٹر میں تختان سے زائرین کو منتقل کیا جائے گا جس سے وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پنڈ دادن خان میں دریائے جہلم پر سکندر اعظم اور راجہ پورس کی جنگ کی یادگار یونانی سفارت خانے اور پاکستان کے اشتراک سے 1997 میں تاریخی مقام پر یادگار تعمیر کی گئی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر کھڑی یادگار یونانی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس یادگار کی آپ کو سیر کرائیں گے اسی بلٹن میں۔ لذیذ اور منفرد ذائقے کے حامل پھل بیر پک کر تیار ہو گئے۔ ہارون آباد کا بیر ملک بھر میں مشہور۔ طبی ماہرین کے مطابق بیر میں کیلشیم، فاسفورس اور فولاد کے علاوہ حیاتین جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔